हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज। यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और मोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और न्यूज को हिंदी में देता हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं न्यूज पे। तो सबसे पहले बता दूं, सैमसंग ने जो गैलेक्सी C7 प्रो ये स्मार्टफोन जो है चाइनीज वेबसाइट पे लिस्टेड कर दिया और उसे लॉन्च भी कर दिया है, लेकिन इसका जो प्राइस अभी तक फिक्स पता नहीं चला, लेकिन 16 जनवरी से प्री बुकिंग के लिए स्टार्ट हो गया। अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताओ तो इसमें 5.7 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 2.2 GHz पे क्वाड कोर स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर मिलता है जो कि ऑक्टा कोर है, क्वाड कोर नहीं है। साथ ही इसमें 4GB की रैम, 64GB की रोम मिलती है, 256GB तक आप मेमोरी कार्ड से एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। 16MP का रेयर और फ्रंट कैमरा मिलता है, जो कैमरे का एपर्चर है F1.9 है। साथ ही इसमें 3300mAh की बैटरी मिल जाती है और एंड्रॉयड 6.0 मिल जाता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन ये स्मार्टफोन का प्राइस जो है अभी तक सैमसंग ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन सैमसंग की कंपनी उनके स्मार्टफोन का जो प्राइस है हाई लेवल में ही रखती है, तो देखते हैं क्या प्राइस रेंज में से सेट करती है। अगले न्यूज की बात करूँ तो लिनोवो का जो Z2+ स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन का जो प्राइस है ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे इसका जो प्राइस है वो कम हुआ है, जिसमें ऑफर्स मिल रहे हैं। जो 3GB रैम और 32GB वाला वेरिएंट है, इसका जो प्राइस है 18,000 रुपीज था इसका लॉन्चिंग प्राइस, ये जो स्मार्टफोन है 15,000 रुपीज में मिल रहा है, यानी आपको 3,000 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और जो 4GB रैम 64GB वेरिएंट वाला स्मार्टफोन है, इसका जो प्राइस है 20,000 रुपीज से इसका जो प्राइस 17,500, यानी 2,500 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मैं आपको इसमें क्विक स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो इसमें 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, इसमें 3GB 4GB रैम और 32GB 64GB की रोम मिलती है, इसमें स्नैपड्रैगन का 820 का प्रोसेसर मिल जाता है, 3500mAh की बैटरी मिलती है। तो जिसको भी अगर ये स्मार्टफोन बाय करना है जिसमें स्नैपड्रैगन का 820 का लेटेस्ट जो फास्ट प्रोसेसर है ये मिलता है, ये बाय कर सकता है, इसमें अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं। अभी अगले न्यूज की बात करूँ तो जो मोटोरोला का Moto G5 और Moto G5+ है, बताते जा रहे ये स्मार्टफोन जो 26 फरवरी को MWC 2017 में लॉन्च हो सकता है। इससे रिलेटेड इमेज जो है वो मोटोरोला ने जारी की, जिसमें टाइम डेट और मोटोरोला का अगला आने वाला स्मार्टफोन का टीजर बताया, साथ ही इन्होंने मीडिया में इनवाइट भेज दिया है इस डेट के लिए। आपको मैं बता दूं कि ये मोटोरोला का Moto G5 और G5+ स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, क्योंकि कुछ हाल ही के दिनों में मोटोरोला के स्मार्टफोन के कुछ इमेजेस और लीक स्पेसिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पे लिस्टेड हो रहे थे। साथ ही बताया जा रहा है कि मोटोरोला का मोटो एक्स का अगला वर्जन भी आ सकता है, तो देखना बनता है कि कौन सा स्मार्टफोन आता है। अगर मोटोरोला का Moto G5+ और G5 के अगर लीक स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो इसमें 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिल सकती है, इसमें 3GB की रैम हो सकती है और 32GB की रोम मिल सकती है, स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर हो सकता है, इसमें 3500mAh की बैटरी मिल सकती है, 16+5 का कैमरा हो सकता है। तो देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन के साथ जो मोटोरोला का अगला स्मार्टफोन आता है, तो वेट करते हैं। अगली न्यूज की बात करूँ तो Xiaomi का जो Redmi Note 4 स्मार्टफोन है ये 19 जनवरी को लॉन्च होगा, ये फिक्स हो चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले Flipkart ने 2-3 दिनों से कुछ इमेजेस और टीजर जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाला स्मार्टफोन जो है पावरफुल हो सकता है और ये Redmi का Note 4 होगा, ऐसा फिक्स हो गया है। तो देखा जाना बनता है कि ये स्मार्टफोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, क्योंकि जो Redmi Note 4 चाइना में लॉन्च हुआ था वो MediaTek के प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ था, जिसमें MediaTek का Helio का X20 प्रोसेसर था, लेकिन जो Xiaomi की कंपनी है वो इंडिया में MediaTek का प्रोसेसर लाती नहीं है। तो देखते हैं स्नैपड्रैगन का कौन सा प्रोसेसर के साथ Xiaomi की कंपनी इंडिया में Redmi Note 4 को लॉन्च करती है, या वो इसी स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में आती है। और ये भी देखा जाना बनता है कि कौन से प्राइस रेंज में स्मार्टफोन लॉन्च करती है, क्योंकि जो 2GB रैम वाला वेरियंट है उसका अगर चाइनीज प्राइस को कन्वर्ट किया जाए तो 9,000 रुपीज में वहाँ पे लॉन्च की थी, और जो 3GB रैम वेरियंट है उसका जो प्राइस जो था वो 12,000 रुपीज था। तो देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन और क्या प्राइस के साथ जो Redmi Note 4 है वो Xiaomi की कंपनी 19 जनवरी को लॉन्च करेगी। अगली न्यूज की बात करूँ तो सैमसंग ने मेक इन इंडिया के तहत तो एक स्मार्टफोन जो है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J2S, ये स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है कल के दिन। इसका जो प्राइस है उन्होंने 8,500 रुपीज रखा है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो मुझे लगता है प्राइस कुछ ज्यादा ही रख दिया है इन्होंने। स्पेसिफिकेशन इसमें मिलते हैं कि 5 इंच की WVGA डिस्प्ले मिलती है, जिसपे आपको 1.4 GHz पे क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलता है, जो कि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा प्रोसेसर दिया है, मुझे लगता है स्पेक्ट्रम का ही प्रोसेसर होगा। साथ इसमें अल्ट्रा डेटा सेविंग का एक मोड मिल जाता है,
इसमें 1.5 GB यानी 1.5 GB की रैम मिलती है, 8 GB की रोम मिलती है, जिसको 256 GB तक आप मेमोरी कार्ड से एक्सपेंडेबल कर सकते हो। इसमें 8+5 का कैमरा मिलता है, 26 mAh की बैटरी मिलती है, एंड्रॉइड 6.0 मिलता है। तो 8,500 रुपए की रेंज में ये स्मार्टफोन में कुछ अच्छे स्पेसिफिकेशन नहीं मिलते हैं। इसके बदले में अगर कोई और स्मार्टफोन लिया जाए जैसे शाओमी, लिनोवो या कोलपैड जैसे कंपनी का, तो उसमें अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में। टेलीकॉम मार्केट में जो जियो का धमाल मचाने के बाद अभी पता चला है कि जो जियो की कंपनी है ब्रॉडबैंड सर्विस में भी कुछ अच्छे खासे प्लान्स और ऑफर्स को लाने वाली है। जो मैक्सिमम अभी तक 100 MBPS का प्लान है, इसके अपोजिट में जो जियो की कंपनी है 1 GBPS का जो प्लान है उसे लाने वाली ऐसा पता चला है। और इसका जो टेस्टिंग बोलते फाइनली पुणे और मुंबई के बहुत से कस्टमर यानी यूजर्स के लिए टेस्टिंग कम्प्लीट हो चुका है। बताया जा रहा है ये जो ब्रॉडबैंड सर्विस है इसमें स्टार्टिंग में जो 3 मंथ के लिए सर्विस जियो फ्री देगा, उसके बाद सिर्फ आपको सिर्फ इसका राउटर और इंस्टॉलेशन का 4,500 रुपीज देना होगा। जो सर्विस है 3 मंथ के लिए फ्री होगा, इसके बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप राउटर को वापस करके आपका जो पैसा है वापस ले सकते हो। साथ ही बताया जा रहा है इसमें अच्छे खासे प्लान को भी लाएगी जिससे कस्टमर इनके जो प्लान है उसमें रहे। तो देखते हैं कि जो जियो की कंपनी है और क्या क्या अच्छी अच्छी प्लान और क्या क्या सर्विस देती है हम। साथ ही आपको मैं बता दूं कि रिलायंस के जो कस्टमर है टोटल कस्टमर की संख्या बताई जा रही है 7 करोड़ के पार हो चुकी है। जो इनका टारगेट था वो 10 करोड़ का था, जो बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2017 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा या उसके पार भी कर जाएगा। क्योंकि जो रिलायंस की कंपनी है वो यूजर्स को फ्री में डाटा कॉल्स वगैरह सब फ्री में दे रही है, तो और भी कस्टमर उनके जुड़ते ही रहेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो उन्होंने 7 करोड़ का आंकड़ा पार किया है ये सिर्फ 4 महीने में किया, क्योंकि सितंबर में इन्होंने प्लान जो लॉन्च किया था उसके बाद इन्होंने 1 जनवरी के बाद भी प्लान को एक्सटेंडेड किया, यानी 31 मार्च तक फ्री कॉल्स और SMS दे रही है। लेकिन अभी भी जियो के कुछ ऑफर यानी कुछ कॉल्स और डाटा में दिक्कत आती है कस्टमर को। बताया जा रहा है कि जो 100% में से 18 से 20% अभी भी इनके कॉल जो ड्रॉप होते हैं, मतलब इंटर कम्युनिकेशन का अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही इनके कभी कभी जो नेट की स्पीड है वो भी डिक्रीज हो जाती है या नेट बहुत ही स्लो चलता है, तो उस पर भी अभी जियो की कंपनी काम कर रही है। और बताया जा रहा है 31 मार्च तक इनका जो पूरा जो काम है वो भी हो जाएगा, उसके बाद कोई भी यूजर्स को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं कि जियो की कंपनी और क्या क्या करती है। अगली न्यूज की बात करूं तो सैमसंग का जो गैलेक्सी C9 Pro ये स्मार्टफोन जो है फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया है सैमसंग ने। ये जो बताया जा रहा है 17 जनवरी से प्री बुकिंग स्टार्ट होगा, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में मिलेगा। इसका जो प्राइस है सैमसंग ने 37,000 रुपीज रखा है। जब इसका मेन फीचर्स बताया 6 GB की रैम मिलती है और 6 इंच की डिस्प्ले मिलती है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊं तो 6 इंच की फुल HD की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसमें 1.4 GHz पे ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन का 653 का प्रोसेसर मिलता है, 6 GB की रैम मिलती है, 64 GB की रोम मिलती है जिसको आप 256 GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हो। 16 MP का रियर और 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है जिसका एपर्चर F1.9 है। इसमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है जिसको फास्ट चार्जिंग से फास्ट चार्ज कर सकते हो। साथ ही इसमें आपको फ्रंट में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एंड्रॉइड 6.0 और जो सैमसंग की कंपनी है 1 ईयर तक डिस्प्ले की वारंटी भी दे रही है। लेकिन मुझे 37,000 रुपीज कुछ ज्यादा ही इसका लग रहा है स्मार्टफोन का, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 1+3T जैसे अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन के साथ स्मार्टफोन आ जाएंगे, तो इसे क्यों बाय कर। अगली और लास्ट न्यूज की बात करो तो वोडाफोन ने अपने जो 4G के रेट यानी जो 4G के जो प्लान है उसे कम किया है और नए ऑफर को इंट्रोड्यूस किया है। ये जो ऑफर है प्रीपेड के कस्टमरों के लिए, अगर कस्टमर 4G सर्कल में है, ये सभी सर्कल के लिए बता रहा हूँ। अगर कस्टमर 4G सर्कल में रहता है तो अगर उसे ये पैक उसे मिल सकता है जिसमें कस्टमर को 150 रुपीज में 1 GB की 4G डाटा मिल रही है। अगर उससे ऊपर यानी उससे ज्यादा डाटा चाहिए तो उसे 250 रुपीज का रिचार्ज करना होगा, जिसमें 4 GB और 350 रुपीज में 9 GB, ऐसे ही करते करते बहुत से पैकेज जिसमें मैक्सिमम जो है 1,500 रुपीज में 35 GB दे रहा है नेट वोडाफोन। जी हाँ, वोडाफोन दे रहा है। इसकी जो वैलिडिटी है 1 मंथ है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का टेक न्यूज आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी गैजेट्स और मोबाइल से रिलेटेड न्यूज और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।